जय श्री राम भाई। बोला था ना मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मंदिर भी बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। हाँ अरे जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे बात तो ठीक है, पर मंदिर बन तो जाने दे पहले पूरी तरीके से, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करवाना। क्यों, अभी क्या बचा है? बन तो गया ना मंदिर, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अरे अभी काफी कुछ बाकी है, जिसकी वजह से ही शंकराचार्य भी अयोध्या जाने से मना कर रहे हैं। अच्छा ये क्या मामला है भाई, मुझे भी तो बता। देख अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। खास बात यह है कि समारोह में 4 शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे, हालांकि 4 शंकराचार्य में से 2 लोगों ने इस आयोजन को अपना समर्थन दे दिया है। इससे पहले एक वीडियो संदेश में जोशी मठ के ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा था कि 4 शंकराचार्य में से कोई भी अयोध्या समारोह में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही किया जा रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने गुरुवार को कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करने वाले द्वारका और श्रृंगेरी शंकराचार्य के बयान पहले ही सार्वजनिक हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी शंकराचार्य भी समारोह के पक्ष में है। कुमार ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि केवल ज्योतिर्पीठ शंकराचार्य ने समारोह के खिलाफ टिप्पणी की है, लेकिन बाकी 3 शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके हवाले से दिए गए बयान भ्रामक थे, क्योंकि वे समारोह के पूर्ण समर्थन में हैं। अरे तो कौन से शंकराचार्य आ रहे हैं और कौन से नहीं? देख शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्यों का यह दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं, वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली और बड़ी उपेक्षा यह है कि मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आपको अचानक ये कर देना पड़े। इनके बाद गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी महाराज का कहना है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिले तो मैं फूल जाऊं, वहीं निमंत्रण नहीं मिले तो मैं कुपित हो जाऊं। उन्होंने कहा है कि राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हो यह आवश्यक है। उनका कहना है कि अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। स्वामी निश्चलानंद स्वामी महाराज ने कहा कि आमंत्रण आया है, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ आया जा सकता है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कौन मूर्ति का स्पर्श करे और कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो, अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। शंकराचार्य ने कहा है कि ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना ये विस्फोटक हो जाता है। उनका कहना था कि मोदी जी लोकार्पण करे, मूर्ति का स्पर्श करे और मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, ऐसे में मैं वहां गया तो मोदी अधिक से अधिक नमस्कार करेंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन इस अवसर पर जाना उचित नहीं है। फिर शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक की ओर से कहा गया कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ एक संदेश शेयर किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है, ये गलत प्रचार किया जा रहा है। श्रृंगेरी शंकराचार्य के इस संबंध में एक अपील की गई है, इसमें कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो, हालांकि शंकराचार्य स्वयं अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ भी कहा नहीं गया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी सोशल मीडिया पर बयान शेयर किया गया है। इसमें कहा गया है कि शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिशें की थी, 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा के पालन के साथ हो। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया है कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। ओके, तो इनकी आड़ में शायद कांग्रेस के नेता भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। हाँ ऐसे ही कुछ है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार 10 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया था। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे ने पूछा कि बीजेपी संतों की बात क्यों नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा, चारों शंकराचार्य और संत कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और जिस तरीके से राम लला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है, बीजेपी को कोई काम ही नहीं है।
जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? शंकराचार्य जो कह रहे हैं बीजेपी वो बात क्यों नहीं सुन रही है? उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य और संत कह रहे हैं कि राम मंदिर अधूरा है और जिस तरीके से रामलला का प्रतिष्ठापन हो रहा है वो ठीक नहीं है, बीजेपी को कोई काम ही नहीं है। जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हमारे जाने से बीजेपी को क्या फायदा होगा? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और बीजेपी वो बात सुन क्यों नहीं रही है? देख, जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करने का कारण कोई भी हो, लेकिन इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को ही मिलेगा। हाँ हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल पर। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।